हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक समोल और मेरे पास एक माइक्रोमैक्स का मॉडल है। देखिए दोस्तों, इसमें लगा है पैटर्न लॉक, तो कैसे इसको हार्ड रिसेट करेंगे आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मैं आपको थोड़ा मॉडल दिखा दे रहा हूं, मॉडल क्या है। देखिए मॉडल है Q4101। तो आप अपना दोनों सिम और मेमोरी चिप कप निकाल लीजिए, उसके बाद आपको बैटरी लगाना है और पीछे का कवर लगा देना है। देखिए अभी देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और यहाँ पर पावर बटन। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों को और पावर की को प्रेस करके रखना है। जब सेट एंड्रॉइड का लोगो आ जाए, ठीक है, तब छोड़ दीजिए। फिर अब पावर की को छोड़ दीजिए, पावर ऑन बटन को आप छोड़ दीजिए। देखिए आपको ऐसा एंड्रॉइड रिकवरी मोड आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम प्लस माइनस आपको दबा कर रखना है। तो अभी आना है आपको वॉल्यूम माइनस से नीचे, लिखिए वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट पर, ठीक है। वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट आपका है 1 2 3 4 5 नंबर लाइन में है वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट। अभी आपको क्या करना है, पावर की को एक बार प्रेस करना है, फिर से चलना है वॉल्यूम माइनस में नीचे एस पर, ठीक है। वॉल्यूम माइनस से आप चलिए यहाँ पर एस, फिर से आपको पावर की को एक बार प्रेस कर लेना है। नीचे देखिए यहाँ पर फॉर्मेटिंग चल रहा है अभी, तो आपको मांगेगा फिर से रिबूट सिस्टम नाउ बोल के, ठीक है। रिबूट सिस्टम नाउ, फिर से आपको क्या करना है, पावर की को एक बार प्रेस कर लेना है। तो देखते हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ से हम इसको सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू।